हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दुनियादारी विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्प्राउट्स की एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी। वैसे तो स्प्राउट्स खाना हर किसी को पसंद नहीं होता है, बट स्प्राउट्स के तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, जैसा कि फिल्ड विद फाइबर होता है, इसमें प्रोटीन होता है भरपूर मात्रा में, और इसके साथ ही साथ ही हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करता है, हमारी आई साइट को इम्प्रूव करता है और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो ये तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये साबुत मूंग और काले चने हैं, जिनको मैंने सोक करके दो दिन मैंने इनको रखा था, जिससे इस तरीके के स्प्राउट्स इसमें बन गए हैं। तो अभी हम इसे डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में, और इसके साथ इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च और 4 से 5 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और अभी लिड को क्लोज करके हम इसे कर लेंगे ग्राइंड। कुछ इस तरह से हमें इसे ग्राइंड करना है बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में। तो अभी इस पेस्ट को हम निकालेंगे एक बोल में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस अभी तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर लेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। तो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हमें चिले की जैसी रखनी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 to 5 टेबलस्पून सूजी। इससे क्या होगा कि जो हम चिले बनाने वाले हैं स्प्राउट्स के, वो हमारे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। सॉल्ट हम इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इसके अलावा मैं इसमें और कोई भी मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम स्प्राउट्स चिला बना रहे हैं तो ये बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद लिड को क्लोज कर देंगे और 5 से 6 मिनट हम इसे रेस्ट करने देंगे। एक बार ओपन करके चेक करते हैं तो सूजी अभी हमारी अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है। एक बार इसको इस तरह से स्पून की हेल्प से हम इसे मिक्स कर लेंगे, और अब एक पैन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। इसको अच्छे से हम स्प्रिंकल कर लेंगे पूरे पैन में, और स्मॉल पोर्शन लेके हमें राउंड शेप में इस तरह से चिले बनाने हैं इसके। तो आप मोटे या पतले जैसे भी पसंद करते हो आप वैसे बना सकते हैं, मैं यहाँ पर पतले चिले बना रही हूँ। चारों तरफ अच्छे से इसे फैला देंगे। थोड़ा सा ऑयल हम इसके चारों तरफ लगा देंगे, ताकि चिलों को जब हम पैन से निकालें तो वो ईजिली निकल जाएं, और ये इन द मीन वाइल ये अच्छे से कुक भी हो जाएं। अब हम लिड को कर देंगे क्लोज, और 1 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। अब हम इन्हें एक बार फ्लिप करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं वन साइड कितने अच्छे से कुक हो गए हैं और कलर कितना अच्छा आया है, लाइट गोल्डन ब्राउन। तो बस थोड़ा सा ऑयल हम इसमें और ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब, और दूसरे साइड भी हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो अभी हमारा सुपर डिलीशियस और टेस्टी चिला है बनके तैयार। आप इसे हरी चटनी, केचप, सॉस किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसके साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक आप भी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।